बीबी मैं आपको जानता ही नहीं जा, तेरी मेहरबानी है, तो मेरा दिमाग खराब कर रही है, तेरी मेहरबानी जाओ। स्क्रीनशॉट पड़े हुए, आपने मुझे लोकेशन भेजी, आपने मुझे यहाँ से वेलकम किया, वीडियो देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमआईके न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। और आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ ना, उससे जब आप मिलेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्या कमाल का टैलेंट है। सबसे पहले तो हम अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं, पहले नॉक कर लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा चले बैठ के ना, जल्दी से इंटरव्यू कर लेते हैं। जी आप बैठे तो शुरू करें, मैं रेडी होके आता हूँ। ओके, हमें यहाँ पे बैठ के वेट करना पड़ेगा और सर रेडी होने जा रहे हैं, जल्दी आएगा प्लीज, क्योंकि मैंने आगे भी जाना है। बैठते हैं और इंतजार करते हैं आज। मैं ना कैमरा बंद नहीं करना चाह रही क्योंकि मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अब जल्दी से इंटरव्यू हो जाए, आ जाए। वो रेडी होके गए हैं मुझे बिठा के यहाँ पे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सर मैं इकरा, अभी आपसे बात हुई थी। कब बात हुई थी आपसे? बात हुई है ना, आपने कहा है कि मैं रेडी होके आ रहा हूँ। ले मैं तो आपको जानता नहीं, आपको उनको टाइम नहीं दिया, आप कहाँ से आई हैं? सर मेरी अभी यहाँ पे आपसे बात हुई है, मैं उधर से आई हूँ। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान कहाँ से आई? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में मेरी आपसे बात हुई। आप कैमरे को देख के, जानता ही नहीं, मैं आपको देखा ही नहीं है, अभी आप आके आ गई हैं, कहाँ से आए आप? उधर से आई हूँ, आपने मुझे वेलकम किया, आपने मेरे सलाम का जवाब दिया और आपने कहा कि 5 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। मैं नहीं जानता आपको, जाएं आप किसी और जगह जाएं, जाएं जाएं शाबाश। ये ना कुछ कंफ्यूजन, जानता आपको बीबी, मैं आपको जानता ही नहीं। आपने मुझे कॉल की है, आपने मुझे लोकेशन सेंड की है, आपने मुझे बुलाया तो मैं आई हूँ, थोड़ी मैं मुंह उठा के आ गई हूँ यहाँ पे। आपको जानता ही नहीं, कब से आपको बात हुई यार? मैंने आपको स्क्रीन शॉट पड़े हुए, आपने मुझे लोकेशन भेजी, आपने मुझे यहाँ से वेलकम किया, वीडियो देख लीजिएगा, आपने खुद बुलाया। जा तेरी मेहरबानी है, तो मेरा दिमाग खराब कर रही है, तेरी मेहरबानी, जाओ अल्लाह के वास्ते, हाथ जोड़ने की खुदा के वास्ते जाओ। मैं जा रही हूँ, कि कैसे लोग हैं, खुद बुला के खुद ही बेइज्जती कर दी है मेरी, आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने तो देखा है ना, मुझे खुद इन्होंने वेलकम किया, घर चलते हैं। हाँ जी मैं रेडी होके आ गया हूँ। खुदा का नाम नहीं, अभी आपने मेरी बेइज्जती की है कि घर चली जाओ, वहाँ पे चली गई। अभी आपने खुद ही तो कहा कि आप रेडी होके आ गए, बड़ा दिमाग खराब हुआ है। आप प्रैंक कर, आपने मुझे कहा नहीं कि रेडी हो गया है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? और मैंने वेस्टकोट पहन के आया हूँ मैं आपके पास, आपने कहा रेडी? उधर से गए हैं, खुदा का नाम ले, मैं अभी बाहर गया था अभी रेडी होने के लिए, रेडी होके आ गया हूँ। आपने भी मुझे कहा नहीं है कि बीबी जाओ, माफ करो, नहीं बुलाया हमने। क्या हो गया आपको? मैंने कहा ही नहीं आपसे, एक दफा भी नहीं बात की मैंने आपसे। फिर उन्होंने बुलाया ना आपको इंटरव्यू में। एक दूसरे को बताया नहीं आप लोगों ने? मुझे नहीं पता चला था, मैंने आपके इसलिए बुला लिया था, मैंने कहा चले अगर आया जाएंगे तो आपसे पहले मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मैंने काफी दिनों से आपको सोशल मीडिया पे देखा था। मैं इनको बुला रहा हूँ, अल्लाह के बंदे मैं भी उनको डांटी जा रहा हूँ। और मैं वेस्टकोट पहनने गया था, इन्होंने कहा था अभी आप, मैं कहा रेडी होके आ रहा हूँ मैं, तो बस इतनी सी बात किया मैंने उनसे। अपने भाई को तो बताते, उन्होंने इतनी बेइज्जती कर दी है मुझे, अभी आप बैठो। सॉरी मैं आपको, हाँ रेडी होके आता हूँ, थैंक यू। अच्छा आप इधर ही रुके, अभी ये ना हो ना कि फिर प्रैंक हो जाए मेरे साथ, बैठ जाए आप। चले जी अब हम लोग फाइनली बैठ चुके हैं और यकीन करें मेरे ना सर में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि मैं लोगों के साथ प्रैंक करती हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया, अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। अच्छा मुझे बताएं कि बड़ा कौन है आप दोनों में से? बड़ा मैं हूँ, तो थोड़ा 5 मिनट का तकरीबन फर्क है, तो 5 मिनट का मेरा फर्क है। अच्छा आप बड़े और वो छोटे हैं, तो आप उन पे बड़ा होने का वो करते हैं कि मैं बड़ा हूँ, चुप करो, मेरी बात मानो, ये करो वो करो, इस तरह? नहीं शुरू में तो थोड़ा सा होता था, लेकिन जब बेबियाँ आ गया तो फिर अपनी फैमिली वालों को तो पता होता है ना, बेगम तो आउट ऑफ फैमिली से आती है, तो उनको पता चल गया था कि मेरे वाला बंदा ये है और भाई जो है वो वाले हैं। ऐसा हुआ था कि जो था एक जगह हम शादी पे गए थे, तो वहाँ पर जो ना पिक्चर्स ले रहे थे, तो पिक्चर में ना ऐसा हुआ कि मैं बैठा हुआ था, तो वो भी साथ बैठी हुई थी भाभी, तो असल में जब वो हम घर गए ना, तो वहाँ पे मैंने जो टाई पहनी हुई थी ना, वो पहचान नहीं पा रही थी कि ये वो वाला दूसरा अब्दुल अहद है या अब्दुल समद है। तो जो है ना उसने जो एल्बम में हमारी पिक्स लगाई ना इसकी एल्बम में, तो इसको जो इसकी मिसेज को जाना जो मेरे साथ लगा दिया, तो वो एकदम तो हमने ना वो अपनी टाइयों से उन्होंने पहचाना कि नहीं ये टाई तो समद पहनी।
आपने किसी से उधार लिया हो और वो जो बंदा जिससे आपने उधार लिया वो आपको आके कुट गया, अभी तक मेरा उधार वापस नहीं किया, ऐसा हुआ है कभी? एक दफा ऐसा हुआ था कि हम ना, हमारा सब ना प्रॉपर्टी का, दोनों का बिजनेस है, ठीक है। तो एक दफा मैं ना एक पार्टी से टोकन लेके ना, जो जैसे रूटीन में टोकन लेते हैं पार्टी से, तो वो टोकन लेके तो मैं उनसे साइड पे चला गया। तो दूसरे दिन वो टोकन फाइनल नहीं हुआ, तो वो अम्मा जी आए थे, वो आके कहते मैं तेनू टोकन फड़ाया, ये भाई आके बैठे, मैं तेनू टोकन फड़ाया, कई जा रहे सारे दुकानदार जो इकट्ठे हो गए, कहते जी अगर आपने इसको टोकन फड़ाया तो ठीक है आपको डबल देगा, अगर इसको नहीं फड़ाया तो फिर आपसे ये आपको टोकन गया। दूसरी तरफ से मैं आ गया, जब मैं आया तो अम्मा जी देखे रान परेशान हो गए, कि हो गया मेरा तो टोकन ही गया। पेपर्स में जब आप छोटे होते होंगे तो पेपर्स में चीटिंग वगैरह करते थे जाके कि आपको पेपर नहीं आता तो आप जाके इनकी जगह पे पेपर दे आए? नहीं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ऐसा था कि मैं एफसी कॉलेज में पढ़ता था, तो एक दफ़ा मैं ना क्लासरूम में बैठा था, तो ये भाई ना मुझे मिलने से साइंस कॉलेज में होता था, वहाँ से साइंस कॉलेज से आ गया। अच्छा। तो टीचर्स ने कहा तुम इतनी लेट हो, बाहर खड़े हो जाओ। तो उन्होंने कहा ये साइड से मैं एंटर हुआ तो मुझे टीचर देख के कहते हैं, ये वहाँ से खड़ा हो गया तो ये मुझे देख के कहते हैं ओ सॉरी सॉरी सॉरी, टीचर ने मेरा लगे कान तक पकड़ लिया। तो मुझे टीचर जी मुझे कहते हैं कि ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सारे लड़के क्लास के हंसने शुरू हो गए। एक दफ़ा जब ना हमारे अबू बाहर होते थे तो डाकिया जो है ना वो आया हाथ लेने के लिए, हाथ देने के लिए, तो वो ना ये भाई जो है ना दौड़ के जाके हाथ लेके आ, तो उसके आ गया, तो मैं भी दौड़ के डाकिया के पास चला गया, मैं कहा लें हाथ दें, उन्होंने कहा अभी तो मैंने आपको हाथ दिया था आप दोबारा कैसे आगे दौड़ गए, वो परेशान हो गया एकदम। अच्छा मैं ना एक दफ़ा कटिंग कराने हेयर ड्रेसर के पास गया, तो उसने ना कहा यार आपके बाद बहुत बढ़े हैं तो आप ना ऐसे कर टेंट करा लो, गर्मी बहुत है, तो मैंने टेंट करा ली। तो इसके बाद ना ये मुझे गद्दा कहाँ से करवाई, मैं कहा वो साथ वाले नाई से ना करवाई है, तो ये भी घूमता उसके पास चला गया। अच्छा। जब वो उसने देखा ना कि उसने तो उस तरह छुड़ियाँ गंजी छोड़ के भाग गया, वो कहता मैंने तो अभी तेरी टेंट किया तो अभी फिर एकदम तेरे बाल कहाँ से आ गए हैं, भूत आ गए। अब्दुल समद और अब्दुल अहद, कोई क्या निशानी है आप लोगों को अगर, क्योंकि मैं देख रही हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि कौन सा कौन से वाला है, तो कोई निशानी रखी हुई है आप लोगों? हाँ वो काफी देर अरसे बाद जाके ना भाई के यहाँ पर एक छोटा सा निशान बन गया था, तो बस वो नजर आ रहा है, आप लोग भी देख सकती हो, ये पहले मैंने नहीं देखा था, अगर मैं देख लेती तो मैं इतनी बेवकूफ ना बनती आज जितना इन लोगों ने मुझे बना दिया। दोनों ट्विन्स में लड़ाका ज्यादा कौन है कि मतलब गुस्सा किसको ज्यादा आता है? नहीं हम लड़ते नहीं, हम प्यार में बसे रहते हैं, ऐसी कोई बात आपस में नहीं, वैसे ही ओवरऑल लोगों के साथ, लोगों के साथ थोड़ा सा मैं गुस्सा हूं भाई, थोड़ा सा नरमी। आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं मुझे वैसे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आता, मैं जो ना वैसे रहम दिल बंदा हूं। माशाल्लाह वेट आप लोगों का बड़ा है, कभी सोचा नहीं डाइटिंग ड्यूटिंग कर ले? हम जो वाले साहब थे ना वो भी हेल्दी थे, बॉडी बिल्डर थे। अच्छा। तो माशाल्लाह उनकी जो ना फिजिक काफी पहलवान वाली थी। अरे माशाल्लाह तो वो वेट लिफ्टर थे। तो उसके साथ ये था कि मेरे बड़े भाई जो थे अब्दुल खालिक ताई थे, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जूडो कराटे के आलमी चैंपियन थे, उन्होंने 1977 में इंटरनेशनल मुकाबले में विन किया। 77 में वो कुआलालंपुर मलेशिया हांगकॉन्ग गए थे, वहाँ ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान थे, तो ब्लैक बेल्ट फोर्थ डान को जाके उन्होंने नॉकआउट किया था, रिंग में जाके ना किक मार के उसका जबड़ा तोड़ दिया था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे वहाँ पे। तो अनोखी को भी उन्होंने चैलेंज किया था, तो उन्होंने कहा आपके पास सिर्फ फिजिकल है, मेरे पास फिजिकल भी और स्पिरिचुअल भी है, तो वो काफी जो है ना मतलब के मोटिवेट किया उन्होंने अनोखी को, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके काफी देर बाद ना अनोखी ने इस्लाम कबूल कर लिया उनके कहने पे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पे नए तो जल्दी से कर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।